बीती रात बिहटा थाना क्षेत्र के सदीसोपुर गांव में घर के आगे बैठकर आग ताप रही जदयू प्रदेश महासचिव पिंकी सिंह पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। दो अपराधियों ने मुंह में गमछा बांधकर जमकर गोलीबारी की। नेत्री घर में घुसकर दरवाजा बंद कर किसी तरह जान बचाई। अपराधी का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। पुलिस ने घटनास्थल पर से 3 खोखा बरामद कर लिया है और छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पिंकी सिंह बीते रात करीब 9:30 बजे आरा से लौटी थी। ज्यादा ठंड होने के कारण अपने भाई के घर के बाहर दरवाजे के पास अलाव जलाने के लिए वह फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद जैसे ही अलाव के पास आकर बैठी थी कि दो अपराधियों ने मुंह में गमछा लगाए हाथ में पिस्टल लेकर अचानक पहुंचा और गोलीबारी करने लगा। पिंकी सिंह अपराधी को देख तेजी से घर में घुस दरवाजा बंद कर चिल्लाना शुरू किया। जब तक आसपास के लोग निकलते अपराधी 4 राउंड फायरिंग कर गाली देते हुए दोबारा फिर हमला कर जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना की सूचना बिहटा पुलिस ने घटना के पास से 2 खोखा बरामद किया है। बताया जाता है कि सदीसोपुर में स्मैक और शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिसका 1 सप्ताह पूर्व जदयू नेत्री ने विरोध किया था। जहां अपराध चरम सीमा पर है, वहीं बिहटा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से लगातार आए दिन गोलीबारी घटना घट रही है। वहीं आपको बताते चले कि देर रात्रि की घटना है बिहटा के सदीसपुर गांव में, जहां पे अब जदयू के अभिनेत्री और महासचिव बताई जाती, उसके घर पे अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 से 3 खोखा घटनास्थल से बरामद भी किया गया। लेकिन पुलिस को सब सूचना मिली तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना नहीं घटी है। वही पुलिस जब घटनास्थल पहुंची है तो सभी बिंदुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। बिहटा बैजुक गोली चली थी यहां पर, क्योंकि उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आवेदन हम दिए थे पहले, अगर पुलिस सही कार्रवाई करती तो इस तरह का घटना यहां पे नहीं होता। पुलिस सही कार्रवाई नहीं किया। जब भी हम कॉल करते थे थाना में, थाना प्रभारी